पवन शर्मा के साथ खबर एक्सपर्ट देख रहे हैं आप। पुलिसिंग और बेहतर बनाने के लिए आगरा पुलिस लाइन के मैदान में एक मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिसकर्मियों और पुलिस अधिकारियों के हेल्थ का चेकअप किया गया। इसके अलावा पुलिसकर्मियों को रूस की तर्ज के आधार पर हथियारों की जानकारी और ट्रेनिंग दी गई। इसके साथ ही पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के बच्चों के स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस अधिकारी और आगरा SSP बबलू कुमार की पत्नी मौजूद रही। देखिए, ये जो स्वास्थ्य चेकअप कराया जा रहा है, ये हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाया गया एक यूनिक अभियान है, जिसमें सभी जो है पुलिस कर्मियों का स्वास्थ्य चेकअप कराया जाएगा। साथ ही साथ उनका करेक्टर रोल अपडेट कराया जाएगा। उसके बाद जो है करेक्टर रोल अपडेशन के बाद उनके लिए लंच की व्यवस्था की गई है, और ये सारा कार्य जो है हमारे SP लाइन और ASP लाइन, इन दोनों लोगों ने काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और इसी व्यवस्था के तहत सबको बुलाया जा रहा है, उनका पर्सनल डिटेल नोट किया जा रहा है, उसके बाद उनका हाइट, वेट, ब्लड शुगर, BP इत्यादि चेक किया जा रहा है, और उनको अगर कोई विशेष समस्या होती है तो उसके बाद उनको जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास अलग से रेफर किया जाता है। उनका लिपिड प्रोफाइल भी चेक कराया जाएगा, ECG भी कराया जाएगा। देखिए, जैसा कि ये कैंप एक मेगा कैंप जो लगाया गया है, स्वास्थ्य के साथ साथ में उनकी जो और जो हमारी टेक्निक्स हैं पुलिस संबंधित, जैसे शस्त्र के बारे में उसको भी बताया जा रहा है। एक हमारा अलग से कैंप लगा हुआ है, जो हमारे पुलिस विभाग में जो शस्त्र हैं उनका एक वहाँ पे शो करा जा रहा है, और उसको सिखाया भी जा रहा है कैसे खोलना, जोड़ना है, साफ़ सफाई उसको कैसे रखना है। क्योंकि ये समस्या बहुत आती है कि लोग अपने पास घरों में शस्त्र रखते हैं और उसका यूज़ हो जाता है, कभी गलती से हो जाता है तो कभी किसी के उससे फैटलिटी हो जाती है। तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर आपको कोई तनाव है किसी चीज़ का तो उस टाइम में शस्त्र को कैसे हैंडल करना है, और बाकी उसके अलावा भी और कई सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसे कि कैरेक्टर रोल वगैरह अपडेट करा जा रहा है। तो बहुत सारे एक लंबा प्रोसेस है, लगातार ये 4 दिन हमारा चलेगा और सभी पुलिस कर्मियों का ही किया जाए। आज पुलिस मॉडर्न स्कूल में स्पोर्ट्स डे का इवेंट हम लोग आयोजित किया जा रहा है, और ये पुलिस मॉडर्न स्कूल का स्कूल में हम लोग इस यहाँ पे 2/3 पुलिस के बच्चे हैं और 1/3 बाहर के सिविलियन बच्चे हैं। हम लोग यहाँ के बच्चों को हर टाइप ऑफ यू नो पॉसिबल फैसिलिटीज देने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो स्टडीज़ का यू नो की क्वालिटी हो, हम सब हमारा प्रयास है बहुत अच्छा कराने का। और इसी इवेंट के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं जितना मैक्सिमम सिविलियंस इस फैसिलिटी को यूज़ करना चाहते हैं वो भी दे आर ऑल वेलकम। मैं चाहती हूँ मैक्सिमम लोग आके इस फैसिलिटी को यूज़ करें और यहाँ स्कूल में आए और एक बार देखें आप लोग यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को, और देख के आप लोग अपने बच्चों को भी यहाँ पे भेजें। और ये पुलिस का एक्सक्लूसिव स्कूल है, यहाँ पे बहुत सिक्योर्ड इन्वायरमेंट भी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी अच्छा है, एंड यू नो अलॉन्ग विद दैट वी हैव गॉट अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ये एक बच्चों का मोटिवेट करने का एक तरीका है, एक स्पोर्ट्स इवेंट है ये वाला, तो इसमें मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आई एम सो हैप्पी टू बी हियर ऑन दिस डे। जनरल जो हम लोग 112 एम्बुलेंस वालों को देख रहे हैं, उसमें तो ज़्यादातर लोग ओवरनाइट ही जगे हुए हैं, ज़्यादातर की ड्यूटी ऐसी है। उसमें ज़्यादातर देखने को मिला मेरे को कि ब्लड प्रेशर सभी लोगों का ज़्यादातर थोड़ा 10 से 20 मिलीमीटर का भी बढ़ा हुआ है, और कुछ लोगों का ज़्यादा बढ़ा हुआ, ब्लड शुगर भी लोगों को बढ़े हुए हैं। तो ये कहना सत्य नहीं है कि इन लोगों को कोई टेंशन वगैरह अवश्य होगा, और दूसरी चीज़ है खान पान में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जिससे शुगर ही बढ़ रही है, तो ये बॉर्डर लाइन है, अगले एहतियात की आवश्यकता है। तो मैंने ज़्यादातर लोगों को एडवाइस किया है कि थोड़ा खान पान में सुधार लें और अपनी लिमिट में रहें, जाकि कोई ज़्यादा मेंटल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है।